कई सारे यूट्यूबर्स जो कहते हैं इस गाड़ी में दो स्टेयरिंग आती है, एक तो ये एक ये. आपका क्या कहना है इसके बारे में? आई थिंक मुझे तो बहुत पसंद है ये, क्योंकि ऐसा ये मैंने कुछ कुछ मिनी कूपर की तरीके से डिजाइन किया गया. थैंक यू. हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे. आज हम लोग लेके आपके लिए ओनर रिव्यू द लॉर्ड एस्प्रेसो का. और जो ओनर है उनकी सबसे पहली गाड़ी है, जानेंगे कि उन्होंने यही क्यों ली और सेफ्टी वाइज भी पूछेंगे कि अदर ऑप्शंस छोड़ के इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं जैसे टियागो, सेंट्रो, सेफ्टी वाइज में जैसे क्रिटिसाइज किया जाता है एस्प्रेसो को, तब भी उन्होंने ये एस्प्रेसो ही क्यों ली, उस सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे. दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके जो भी कार से रिलेटेड रहने वाले हैं. अब जानेंगे कि इनका प्राइस क्या है और बात कर लेते हैं अपने ओनर जी से. नमस्ते मैम. नमस्ते मैम, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए. मेरा नाम कृतिका है, कृतिका डोगरा. मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ और दिस इज माय फर्स्ट कार. तो मैम सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने इतनी सारी जो कार्स होते हैं इसके ऑप्शंस जो अदर ऑप्शंस छोड़ के आपने एस्प्रेसो ही क्यों ली? मैंने ये क्यों ली क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बजट था एक जिसको मुझे ध्यान में रखना था. हाँ. और उस बजट के साथ अगर मैं सोच रही थी तो इसके साथ इसके अलावा मुझे सिर्फ ऑल्टो का पता लग रहा था. हाँ. और ऑल्टो काफी ही छोटी थी, ये भी छोटी आई नो, बट वो और भी ज्यादा छोटी थी और मुझे वो लुक वाइज इतनी पसंद नहीं है और काफी क्लीशेड कार है, मतलब हर कोई, मैंने बहुत देखी है वो. हाँ, हाँ. तो मेरा मन नहीं था उसे लेने का और मुझे कुछ थोड़ा सा यूनिक चाहिए था. ये मुझे मिनी एसयूवी लगती है. हाँ. और हाँ आई नो इसको और भी बहुत, मेरा भाई इसको डिब्बी कहता है. क्या बोलता है? सॉरी, डिब्बी कार कहता है कि छोटी सी कार है. लेकिन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीजें, बहुत इंडिपेंडेंस मिलती है. तो बाकी आपने अदर ऑप्शंस इसके जो कॉम्पिटिटर्स है वो ट्राई भी नहीं किए कोई इस ऑल्टो के सिवा? मैंने किया था एक्चुअली, बट ऑल्टो वही जैसे मैंने बोला कि मुझे इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी है. और अगर मैंने कंपेयर किया भी तो ऑल दो कहते हैं कि बॉडी उसकी ज्यादा यू नो ड्यूरेबल है, इसकी नहीं है उतनी. बट अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करो या अगर आप बात करो कि जो इसके व्हाट डू वी कॉल दैट, जो डिक्की का स्पेस होता है, बूट स्पेस, या सो दैट वाज आई थिंक वो ज्यादा बड़ा था इसका, तो मुझे इसलिए भी ज्यादा अच्छा लगा. आपके ये पेट्रोल ऑप्शन है कि सीएनजी? ये वाला पेट्रोल है. पेट्रोल ऑप्शन. ये मैनुअल है ऑटोमेटिक है? ये मैनुअल है. मैनुअल है तो ये ऐसे सिटी ट्रैफिक के लिए गाड़ी काफी अच्छी सुनी जाती है, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? आई थिंक बिकॉज ऑफ द साइज इसको मैं बहुत ही पतली जगहों से भी निकाल लेती हूँ और अगर अब कोई गलियां वलियां भी होती है वहां से भी निकल जाती है, तो उसके मामले में बहुत अच्छी है. ट्रैफिक में भी आई थिंक बहुत जल्दी जल्दी शू शू करके निकल जाती है, तो बहुत मुश्किल नहीं होती है, तो इसलिए भी मुझे ये पसंद है. इसलिए पसंद आई आपको जी. बाकी अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए क्रिटिसाइज बहुत होती है, तो आपको कुछ ऐसा फील होता है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था इसका और एकदम से ही उसका वो डब्बा अंदर चला जाता है जैसे, लेकिन यहाँ पे ये लगी थी जो गाड़ी यहाँ पर हुआ था और ये एकदम ही अंदर, अभी तक मैंने ठीक नहीं करवाया इसलिए आई एम वेरी लेजी. बट हाँ ये जो है इसको ये मतलब मुझे लगता है जरा से भी टच से बहुत जल्दी ही इसको डैमेज हो जाता है. और वो मैंने बाद में मुझे पता भी लगा, जो आई थिंक मुझे पहले रिसर्च करना चाहिए था कि इसका डैमेज बहुत, मतलब इसका आई थिंक जो टेस्ट थोड़ी ज्यादा हल्की है. हाँ, टेस्ट भी हुआ था उसमें, आई थिंक ये पास भी नहीं हुई थी जो सेफ्टी रेटिंग्स में. हाँ. बाकी जो आप बता रहे थे, आपके भाई बोल रहा था पंच है इसके सिवा जो ट्राई करनी चाहिए थी आपको, तो ऐसा क्या रीजन था कि पंच को छोड़ के आपने यही क्यों ली? एक्चुअली उस टाइम पे शायद सोचा नहीं आपने ये. उस टाइम ऐसा भी है कि मुझे बहुत डर लग रहा था बिकॉज मेरी लाइफ की पहली इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं कोई ऐसी चीज ना ले लूं जिसके लिए मुझे बाद में, क्योंकि 4 साल 3 साल आपको ईएमआईज भरनी होती है, तो आई वाज अ लिटिल स्कैर्ड बिकॉज आई एम ओनली 25 राइट नाउ. तो मुझे लगता था कि अगर मैं ऐसा कोई चीज ले लूं जिसको मैं बाद में फिर यू नो मुझे पापा मम्मी से मांगना पड़ जाए. हाँ नहीं, यही चीज है कि टाटा का थोड़ा सा ये था कि रीसेल वैल्यू नहीं है, रिलायबल नहीं है, इस चीज की वजह से शायद. इसलिए भी है, आई डोंट थिंक सो, अगर इसको हम दोबारा बेचेंगे तो कोई बहुत ज्यादा बायर्स इसको मिलने वाले हैं. नहीं वैसे मारुति की गाड़ी की ये खासियत होती है कि इसकी रीसेल वैल्यू अच्छी होती है. ओके अच्छा. हाँ, रीसेल वैल्यू अच्छी होती है. ओके. बाकी आप अपना इससे जुड़ा हुआ कोई एक्सपीरियंस बताइए जो कि आपको इस गाड़ी में सबसे अच्छी चीज लगी हो इतने टाइम में. आई थिंक यही सबसे अच्छी चीज मैंने बताया आपको कि भीड़ में बहुत जल्दी निकल जाती है. और आई थिंक मुझे बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं पता है, टेक्निकल बातें नहीं पता, लेकिन अदरवाइज आई थिंक यही है कि छोटी भी है, यूनिक दिखती है, लुक मुझे पसंद है इसका, तो यही मेन चीज है. बाकी इसका सिटी में माइलेज कितना है? वैसे हमें बोला तो ज्यादा था, लेकिन अगर मैं चलाती हूँ तो 17-18 आता है, मेरा भाई चलाता है तो 24 तक आता है.
तो ऐसा क्या है जो आपकी ड्राइविंग स्टाइल इतनी ज्यादा डेंजरस है क्या? आई थिंक मैं अपने पापा पर गई हूँ, वो भी थोड़े ज्यादा तेज चलाते हैं, तो मेरी भी वैसी आदत हो गई। आई यूज्ड टू स्कोल्ड हिम कि आप कैसे चलाते हो, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं चलाऊंगी तो मैं भी ऐसे ही चलाने वाली हूँ। तो आपको लगभग 17 का माइलेज देती है गाड़ी? हाँ, विच इज बैड आई थिंक। हाँ, तो वैसे उस हिसाब से देखा जाए तो काफी कम है। लगभग एक साल हो गया आपको गाड़ी को लिए हुए, तो आपने इतने टाइम में कितनी चला दी है ये? अप्रोक्सीमेटली 15,000 चला दिए। तो इतने टाइम में आपको कुछ गाड़ी में दिक्कत या परेशानी किसी तरीके की आई? नहीं, ऐसे तो मुझे कुछ भी नहीं आई, बस वही था कि हाँ जल्दी लग जाती है इसको, बट अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी मेंटेनेंस कैसी है गाड़ी की? मेंटेनेंस मुझे अभी तक कोई भी इशू नहीं आया है। मैं वैसे इन चीजों को लेके, सर्विसिंग एंड ऑल को लेके बहुत लेजी हूँ, लेकिन इसमें मुझे गॉड विल टच अभी तक कुछ भी ऐसा करना नहीं पड़ा है। ओके, एक बार हम इसका बूट स्पेस देख लेते हैं। वैसे बूट स्पेस काफी ज्यादा अच्छा है कि, तो इससे अभी तक आपने कोई लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया है क्या? एक बार ये राजस्थान तक गई है, तो आई थिंक अराउंड आना जाना 400 किलोमीटर 400 के आसपास। तो लगेज रखने में किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं आती? बूट स्पेस अच्छा खासा है? बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट थिंक सो आती होगी, इसमें काफी स्पेस है। ओके, प्रैक्टिकली मतलब गाड़ी अच्छी है बूट स्पेस के हिसाब से। बाकी हम पीछे एक बार देख लेते हैं इसका जो रेयर सीट पे कैसा कम्फर्ट है। एक बार हम रेयर सीट का इसका कम्फर्ट देख लेते हैं। जो ये भाई है उनकी हाइट है 5'10" और आगे जो सीट एडजस्ट कर रखी है वो भी 5'11" के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। देखते हैं कि उनकी नी रूम कितना बचता है गाड़ी में। देखिए नी रूम काफी ज्यादा अच्छा है गाड़ी में। नहीं, स्पेशियस तो है, चार लोगों के हिसाब से सही है, पर हेडरूम थोड़ा कम है गाड़ी में, ये चीज देखी जाए तो। हाँ, जो बम्प्स में दिक्कत आ सकती है जो। बाकी आपको ये पड़ी कितने की? ये 535 के अराउंड। और वेरिएंट कौन सा है? VXI? VXI। ओके, VXI वेरिएंट है। और इसमें एसेसरीज कुछ इंक्लूडेड थी कि आपको सब कुछ इतने में ही पड़ा है? इतने में ही पड़ा है, कोई एसेसरीज मैंने नहीं लिया। एसेसरीज इसमें इन्होंने कुछ नहीं। एक बार इंटीरियर देख लेते हैं चलिए गाड़ी का। अब एक बार हम इसका इंटीरियर देख लेते हैं गाड़ी का। इंटीरियर कुछ इस टाइप का है। और कई सारे यूट्यूबर्स जो कहते हैं इस गाड़ी में दो स्टेयरिंग आती है, एक तो ये एक ये। आपका क्या कहना है इसके बारे में? आई थिंक मुझे तो बहुत पसंद है ये, क्योंकि ऐसा मैंने ये कुछ कुछ मिनी कूपर की तरीके से डिजाइन किया गया। थैंक यू सो मच। सस्ती मिनी कूपर हो गई है। सस्ती मिनी कूपर है ये। बाकी इसकी एसी की कूलिंग कैसी है? आई थिंक बहुत ही अच्छी है। बहुत अच्छी है हाँ, क्योंकि मेरे पापा के पास भी जो थी उसमें भी मतलब होता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे कूलिंग आती है इसकी। तो मुझे लगता है कि एकदम से पूरी कार छोटी भी है, छोटी होने की वजह से भी बहुत जल्दी कूलिंग होती है। बहुत अच्छी कूलिंग होती है। बाकी जो इसके पावर विंडोज के कंट्रोल्स हैं वो बीच में सेंटर में दिए, आपको कुछ अनोइंग सा नहीं लगता? और गाड़ी में से साइड में होते हैं, ड्राइवर साइड में होते हैं। आई थिंक मेरा फर्स्ट टाइम है गाड़ी के साथ ही, दिस इज माय फर्स्ट टाइम ड्राइविंग कोई भी टाइप ऑफ कार, तो आई थिंक इसीलिए मेरे लिए तो यही आदत पे, मतलब मुझे इसी चीज की आदत है, तो मुझे यही ठीक। आपको नहीं ऐसा कुछ लगता अजीब? बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल अजीब नहीं लगता। म्यूजिक सिस्टम कैसा लगा गाड़ी के? साउंड क्वालिटी कैसी है इसकी म्यूजिक सिस्टम की? आई थिंक काफी अच्छी है, मतलब सूदिंग है, तो ऐसा कुछ नहीं लगता। मतलब बजट के हिसाब से काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छी है। बाकी अगर आपके पास अब ऑप्शंस हो तो आप कोई गाड़ी ट्राई करना चाहेंगे इसके सिवा मारुति की, जो नेक्स्ट कार लेंगे या फिर किसी और ब्रांड की लेंगे? आई थिंक मैंने टाटा के बारे में सुना है कि टाटा ज्यादा रिलायबल है और ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, तो अगर आगे कभी मुझे मौका मिलता है और अगर प्रमोशन मिलता है तो मैं आई थिंक टाटा की ट्राई करना चाहूंगी। ओके, तो मतलब आप आगे टाटा की गाड़ी लेना चाहेंगे। बाकी कुछ कहना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए? आप सब्सक्राइबर्स को मैं ये बोलना चाहूंगी कि शशांक बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, एंड कीप फॉलोइंग हिम। थैंक यू सो मच मैम, वेलकम। आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, थैंक यू। बाकी दोस्तों, कृतिका मैम की आईडी हम अपने स्क्रीन पे दे देंगे, इंस्टा आईडी, वो अच्छी अच्छी रील्स बनाती हैं और अपनी एजुकेशन सबसे शेयर करती हैं। क्या आपने क्या कोर्स किया मैम बता रही थी? इंटीग्रेटेड BA/BEd स्पेशल एजुकेशन। ओके, थैंक यू। आईडी इनकी स्क्रीन पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से जाके आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू मैम।